हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम हाउस डिजाइन में। और आज हम बात करने वाले 15 फीट बाई 30 फीट प्लॉट की, जो कि हमने काफी अच्छा खूबसूरत जो है डिजाइन किया हुआ है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये हमारा जो है 15 फीट के अंदर रहेगा। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हमने जो है डिजाइन किया हुआ है। ये एलिवेशन की बात करें तो हमने यहाँ फ्रंट में स्टेयर रखा हुआ है, और हमने फ्रंट में यहाँ स्टेयर डिजाइन किया हुआ है, और साथ में हमने पार्किंग दी हुई है। और ये हमारा साथ में एक हमारा बेडरूम रहेगा, ऐसे ही हमने ऊपर दिया हुआ है। ये हमने फ्रंट लुक के लिए जो है ग्लास दिया हुआ है, और साथ में हमारा जो है रूम रहेगा। हमने इतने छोटे से प्लॉट पे जो है काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, और हम इसका भी 2D प्लान और इसके सारे डिटेल के बारे में अभी आपको कॉस्ट के बारे में कॉलम डिटेल डोर विंडो आपको डिटेल देंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। यदि अभी हम प्लॉट की बात करें तो हमारा प्लॉट जो है 15 फीट बाई 30 फीट में है। ये सामने से जो है रोड गया हुआ है। ये बिल्डअप एरिया हमारा प्लॉट का 450 स्क्वेयर फीट है, जो कि 50 स्क्वेयर यार्ड मतलब 50 गज का टोटल एरिया हमारा बनता है। ये जो है 2 BHK हमने इसमें डिज़ाइन किया है। 2 बेडरूम प्लस अलमीरा रहेगी, लॉबी लिविंग रूम किचन स्टेयर केस आउटर साइड में है, बाथरूम WC और हमारी पार्किंग इसमें रहेगी। अभी हम 2D प्लान की बात करें तो हमारा 15 फीट बाई 30 फीट का ये प्लॉट है, जिसमें हमने राइट साइड में ये स्टेयर दिया हुआ है, जो कि 5 फीट बाई 10 फीट का रहेगा। 2.5 फीट बाई का जो है ये हमारा इसकी टोटल विड्थ रहेगी स्टेयर की, और थ्रेड हमारा 9 इंच का रहेगा, और राइजर हमारा 8 इंच का रहेगा। यहीं से हमारा मेन गेट है, और लेफ्ट साइड में हमने बेडरूम डिज़ाइन कर रखा है, जो कि 9 फीट बाई 10 फीट का रहेगा। ये हमने अलमीरा डिज़ाइन की हुई है। ये सामने TV यूनिट रहेगी। फ्रंट में हमने जो है W3 आप देख रहे हो, ये विंडो दी हुई है, और ये D से आप डोर देख रहे हैं। हमने इसमें बाहर से भी जो है इसकी एंट्री दी हुई है। ये जो आप W3 देख रहे हैं, इसकी डिटेल भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, ये विंडो का साइज़ वगैरह आपको, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभी जैसे ही हम अंदर की साइड चलते हैं, काफ़ी बड़ी लॉबी हमें जो है ये मिल जाती है यहाँ पे, 8 फीट 4 इंच बाई 8 फीट 6 इंच की। और इसी के लेफ्ट साइड में हमने किचन डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि 8 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 5 इंच का रहेगा। इसमें हमने ये शाफ्ट दी हुई है, जिसमें इसकी किचन की विंडो भी रहेगी, और एक हमारी पीछे बेडरूम की विंडो इसमें आ जाएगी। अभी हम और थोड़ा अंदर चलते हैं, तो हमने बेडरूम डिज़ाइन किया, जो कि 10 फीट बाई 10 फीट का हमारा बेडरूम रहेगा। इसमें हमने अलमीरा डिज़ाइन की हुई है। ये हमारी सामने TV यूनिट रहेगी, ये हमारा डोर रहेगा। पीछे की साइड हमने विंडो दी हुई है, और ये हमने पीछे की साइड कटआउट दिया हुआ है। इसमें हमारी टॉयलेट की और रूम की विंडो रहेगी, तो हमारा यहाँ से भी विंडो है, और इसमें भी, तो हमारा क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर वे से होता रहेगा। और ये हमने टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ, जो कि 4 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का काफ़ी अच्छा एरिया हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो सेम डिज़ाइन हमारा जैसा आपने 3D में देखा था, ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, और सेम डिज़ाइन हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। अभी हम डोर विंडो की बात करें तो हमारा डोर जो है, हमने रूम और किचन के डोर जो है 3 फीट बाई 8 फीट के रखे हैं। लिंटल लेवल हमारा 8 फीट रहेगा, और जो ये 2 फीट 6 इंच बाई 8 फीट का देख रहे हैं D1, ये हमारा टॉयलेट का डोर रहेगा। और विंडो की बात करें तो हम W जो है विंडो हमने 3 फीट बाई 4 फीट की विंडो ली है, जिसका सिल लेवल हमारा 4 फीट रहेगा। सिल लेवल हमारा होता है जहाँ से हम विंडो लगाना शुरू करते हैं, और लिंटर लेवल हमारा 8 फीट रहेगा। तो अभी W हम प्लान में देखें तो W विंडो हमने ये ली हुई है, जो कि 3 फीट बाई 4 फीट की हमारी ये विंडो रहेगी, जो हमारी किचन के शाफ्ट के साथ हमारी जो बेडरूम वाली विंडो है। और W1 हमने पीछे की कटआउट में ये बेडरूम की ही दूसरी विंडो दी हुई है। तो W1 हमारा 2 फीट 6 इंच बाई 4 फीट की विंडो रहेगी, 4 फीट सिल लेवल रहेगा, और लिंटर लेवल हमारा 8 फीट का रहेगा। W2 की बात करें तो हमने ये टॉयलेट की विंडो रखी हुई है, जो 1 फीट 6 इंच बाई 2 फीट की हमारी जो है ये विंडो रहेगी। सिल लेवल हमारा 3 फीट पर रहेगा, और लेंटर लेवल हमारा 8 फीट पे रहेगा। अभी हम W3 की बात करें तो 4.5 फीट बाई 5 फीट की हमारी W3 विंडो रहेगी, जो कि 3 फीट हमारा सिल लेवल रहेगा, और लेंटर लेवल हमारा 8 फीट रहेगा। तो W3 की हम बात करें, W3 हमारी जो है ये फ्रंट का जो हमारा बेडरूम रहेगा उसकी विंडो दी हुई है, और
जो हमारे किचन की विंडो है ये W1 है, जो साइज हमने W1 यहाँ पे पीछे की साइड विंडो का लिया था यही साइज हमारा किचन के विंडो का भी सेम रहेगा। और हम अभी हम कॉलम और बीम की बात करें तो हमने 9 इंच बाई 9 इंच का बीम और कॉलम डिजाइन किया हुआ है, जो कि जो आप डार्क सर्कल देख रहे हो ये हमने 16 mm डाया के 4 सरिये इसमें दिए हुए हैं, मेन स्टील जो रहेगा हमारा। और रिंग हमारी 8 mm डाया की 5 इंच सेंटर टू सेंटर रिंग रहेगी। अभी हम हाउस कॉस्ट की बात करें तो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है हमारी कंस्ट्रक्टेड एरिया प्लॉट हमारा जो है 450 स्क्वायर फीट है, और कॉस्ट ऑफ ग्राउंड फ्लोर हमारी 5 लाख तक रहेगी। और यदि हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये तकरीबन हमारी 4 लाख के आसपास हो रहेगी, तो ये हम 9 लाख के आसपास हमारा जो है ये ग्राउंड और फर्स्ट हमारा पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।